तो हेलो भाई, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे सामने दो गाड़ी खड़ी हुई है, एक है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक और दूसरा है स्प्लेंडर एक्सटेक। तो भाई इसमें कोई भी मुकाबला तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि प्राइज वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक का ड्रम ब्रेक वर्जन खड़ा हुआ है जो कि 98,000 ऑन रोड प्राइस है दिल्ली में, और यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक वर्जन है जिसका ऑन रोड प्राइस है दिल्ली में 91,000। अब प्राइजिंग तो मैंने आपको बता दी, डिफरेंसेज वाइज आप देख लो भाई, यहाँ पे बिल्कुल सेम आपको 80x100 का टायर मिलेगा, 80x100 का टायर यहाँ भी मिलेगा, 18 इंच के अलाइवल्स यहाँ भी मिलेंगे, 18 इंच के अलाइवल्स यहाँ भी मिलेंगे, टेलीस्कोपिक यूनिट यहाँ मिलेगी, वहाँ भी आपको टेलीस्कोपिक यूनिट मिलेगी, इसके साथ में IBS की टेक्नोलॉजी मिलेगी यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको दोनों जगह ऑफर किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रंट डिजाइन की, तो फ्रंट डिजाइन आप देखिए सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में आपको कुछ ऐसा मिलेगा, DRL यहाँ मिलेगा जो कि इग्निशन ऑन करते ही जल जाएगा, वहीं पे स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में आपको DRL इग्निशन को ऑन करते हुए नहीं जलेगा, जैसे कि जलाओगे तो नहीं जलेगा, जब आप गाड़ी को चलाओगे यानी स्टार्ट करोगे तभी ये जो DRL है वो जलेगा। यहाँ पे आपको LED बल्ब मिलेंगे, वहाँ पे आपको हाइड्रोजन बल्ब ऑफर किए जाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों में सेम क्या है, यानी समान चीजें क्या है। तो भाई मैं आपको बता दूं इसमें समान क्या है, यानी इसमें एक दूसरे से सिमिलरिटी क्या चीजें हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाई यहाँ पे मीटर कंसोल की, तो मीटर कंसोल आप देख लो दोनों जगह आपको सेम मीटर कंसोल ऑफर किए जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक सेम मीटर कंसोल आपको दिया जा रहा है, और स्प्लेंडर एक्सटेक यहाँ भी आपको सेम मीटर कंसोल दिया जा रहा है। तो मीटर कंसोल में कोई भी चेंजेस नहीं है, वहाँ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाती है, कॉल SMS अलर्ट की सुविधा मिल जाएगी, दोनों जगह आपको चार्जर मिल जाएंगे, और इसके साथ में आपको फ्यूल इंडिकेशन शो करेगा, रियल टाइम माइलेज दोनों में आपको बताएगा। अब इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 9.8 लीटर की है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। ग्राफिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जब यार एक्सटेक वर्जन है तो ग्राफिक अच्छे होंगे ही, चाहे स्प्लेंडर एक्सटेक हो या फिर सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक हो। तो प्राइजिंग वगैरह डिफरेंस सिर्फ इतना है कि 7,000 रुपये आप ज़्यादा पे करेंगे तो आप 125 cc के मालिक हो सकते हैं। अब अगर पावर वगैरह की बात की जाए तो स्प्लेंडर एक्सटेक का जो पावर है 8.02 PS की पावर है, 8.05 Nm का टॉर्क है, और 97.2 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन इसमें आपको मिल जाता है। और वहीं अगर बात करें भाई सुपर स्प्लेंडर की तो ये 125 cc की गाड़ी है, यानी 124.7 cc का आपको सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि 5-स्पीड गियरबॉक्स से लेस है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 4-स्पीड गियरबॉक्स से लेस है। अगर इसके पावर की बात करें भाई तो 10.7 की BHP यानी पावर जनरेट करता है, और 10.06 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो 7,000 रुपये में डिफरेंस ये हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, ये दोनों गाड़ियाँ BS7 है। BS7 मतलब कि 20% एथेनॉल के साथ चल सकती हैं। तो अगर आप डेली कम्यूनिट करते हैं, यानी डेली आपको एक कम्यूनिट बाइक चाहिए, अगर आपका राइडिंग 50 से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर का राइडिंग है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि यार जो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक है आराम से 60 का एवरेज जो है माइलेज आपको प्रोवाइड कर देता है। वहीं अगर इसकी बात करें तो ये आपको 50 45 के आसपास में जो है माइलेज प्रोवाइड करता है। तो अगर आप डेली 50-60 किलोमीटर की रनिंग करते हैं तो आपके लिए स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक काफ़ी ज़्यादा बेहतर है सुपर स्प्लेंडर से। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि अगर आप 50-60 किलोमीटर की यानी 60 किलोमीटर के आसपास अगर डेली आपकी रनिंग है तो आपको स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक पे जाना चाहिए। लेकिन अगर आप 125 cc सेगमेंट पे किलोमीटर को आपके कोई भी गाड़ी पे अगर भरोसा करते हैं ग्लैमर एक्सटेक और सुपर स्प्लेंडर में, तो आपके लिए सुपर स्प्लेंडर सबसे ज़्यादा बेहतरीन साबित होती है, क्योंकि सुपर स्प्लेंडर का मार्केट पहले ही से है और लोग इसे अच्छे से जानते हैं और पहचानते भी हैं। साथ में अब तो एक्सटेक वर्जन में आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी मिलने लगी हैं। अगर रियर प्रोफाइल की बात करें भाई तो रियर प्रोफाइल आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, यहाँ पे एक्सटेक में एक्सटेक वर्जन है लेकिन आपको हाइलोजन में ही बल्ब ऑफर किए जाएंगे, इंडिकेटर वगैरह हाइलोजन मिलेंगे, यहाँ भी आपको हाइलोजन में टेल लैंप ऑफर किया जाएगा और इंडिकेटर वगैरह सेम है। बाकी 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, यहाँ भी आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं। इसका जो पिछला वाला टायर है 80x100 का है, सेम टायर इस स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का है 80x100 का 18 इंच के अलाइवल्स के साथ में। और अगर इस सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक के टायर की बात करें भाई तो यहाँ पे आपको 90x90 का 18 इंच के अलाइव के साथ में आपको टायर साइज ऑफर किया जाता है विद ट्यूबलेस टायर। तो कुछ भी चेंजेस ऐसा नहीं हुआ है स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक और सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में, बस
एक चीज बहुत ही कॉमन है, मीटर कंसोल बहुत ही कॉमन है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अच्छी खासी राइडिंग करते हैं, अच्छी खासी आपका डेली का रनिंग है, तो आप स्प्लेंडर प्लस एक्स्ट्रा लीजिए। सुपर स्प्लेंडर लेने की कोई भी जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप 125 सीसी के लवर हैं तो आप सुपर स्प्लेंडर एक्स्ट्रा पे जा सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो यार, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।